हेलो वेलकम बैक गाइस, स्वागत है आप सभी का जूडियो 5 के एक और नए एपिसोड में। तो यहाँ पे गाइस ऐसा फ्रैंकलिन हम लोगों ने पिछले एपिसोड में करी थी, यहाँ पे फैमिलीज गैंग ज्वाइन, लेकिन भाई वहाँ पे ज्यादा मजा आया नहीं है। तो आज हम लोग गाइस क्या करने वाले हैं, बलास गैंग जाके ज्वाइन करने वाले। लेकिन यार उससे पहले मैं जरा इस चॉप के बच्चे से निपट लूं। भाई ये क्या कर रखा है यार इसने, लिटरली भाई यहाँ पे खाना खा के भाई पूरा हाक के रखा हुआ है। अबे चॉप यार क्या कर रखा है यार तूने, ये सुन रहा है मेरी बात, मैं क्या बोल रहा हूँ तुझे, ये क्या करके रखा है, इधर एक सामने बात कर, फेस टू फेस एकदम मैन टू मैन बात होगी अभी, ये क्या करके रखा है तूने। अरे तो क्या हुआ, मैं अकेला थोड़ी ना करता हूँ, तुम नहीं करते हो क्या ये। अरे चॉप के बच्चे साले, तू मेरे को ज्ञान बताएगा अभी है? मैं क्या बोल रहा हूँ कि तूने यहाँ पे क्यों कर रखा, बाहर नहीं जा सकता है करने के लिए सब। तू तो क्या हुआ, तुम घर के अंदर करते हो तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ ओपन में, तो क्या हो गया। मैं ओपन फ्रेंडली पॉटी करता हूँ, उसमें क्या बुराई है, एनवायरनमेंट फ्रेंडली काम करता हूँ मैं तो। अबे एनवायरनमेंट फ्रेंडली के बच्चे कान खुजा रहा है, अभी मैं एक झापड़ में तेरा पूरा बॉडी खुजा दूंगा समझे। शाम तक मुझे ये क्लीन मिल जाना चाहिए, अदरवाइज फिर देख लेना अपना रास्ता, तुम निकाल के बाहर फेंक दूंगा घर से। चलो गाइस यार ये पैसे दिमाग खराब करके रखा है मेरा काफी दिन से, सोच रहा हूँ यार कोई नया कुत्ता ले लूं यार उससे बढ़िया। मैं भाई पूरा सर पे चढ़ गया ये अपने, और कुछ नहीं है। एक काम करते गाइस, मुझे आज एक गाड़ी भी लेनी है यार, क्योंकि भाई हम नई गैंग ज्वाइन करने जा रहे हैं, तो भाई नई गैंग का उद्घाटन एक नई गाड़ी से होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो फटाफट गाइस हम चलते हैं पहले ये गाड़ी लेके एक शोरूम डीलरशिप, और वहां से भाई हम लेंगे एक जबरदस्त कोई कार, और फिर भाई हम लोग चलेंगे बलास गैंग के हेडक्वार्टर और जाके कुछ एक्टिविटीज करेंगे आज भाई। वैसे हमारे में गाड़ी में फ्यूल अभी 58%, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी सीधा हम लोग चलने वाले गाइस डीलरशिप की तरफ, लेट्स गो। चलो गाइस हम ऑलमोस्ट काफी ज्यादा क्लोज है डीलरशिप के, क्योंकि यहाँ पे हमारे घर के पास में ही एक डीलरशिप, वैसे आगे भाई पुलिस घूम रही है, तो थोड़ा सा हम गाइस इन गिवन स्पीड लिमिट चलाते हैं यहाँ पे। आई थिंक सो अपने को 50 माइल से ऊपर नहीं जाने का, तो मैं वही अभी मेंटेन कर रहा हूँ गाइस, क्योंकि अदरवाइज अपने ना फालतू का चालान वालान कट जाएगा, और मैं चाहता नहीं हूँ भाई कि बिना मतलब के जो है चालान वगैरह कटे अपना। यहाँ पे भाई आगे आई थिंक सो रेड सिग्नल है, देखते हैं भाई, कोई पुलिस वाला नहीं है तो मैं तोड़ सकता हूँ, अगर कोई पुलिस वाला है तो फिर नहीं तोड़ूंगा मैं। कोई है क्या यहाँ पे, हेलो, ऐसे मुझे कोई दिख नहीं रहा, निकल लो भाई, घुसा दो भाई, अगर कोई दिखे तो बात अलग है, जब कोई नहीं दिख रहा है तो फिर निकल जाना चाहिए, वैसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे सीसीटीवी इंस्टॉल भी नहीं है, जहाँ पे भाई सीसीटीवी लगे रहते ना उधर पे दिक्कत है। वैसे गाइज हम लोग आ ही चुके हैं, अपने को आगे से राइट लेना है, बाकी ये भाई जबरदस्त कोई होटल लग रहा है। और एक चीज़ और गाइज, अपने को थोड़ा सा रेस्टोरेंट से खाना भी लेना है दिन के लिए, क्योंकि हम लोग सुबह सुबह एकदम घर से निकले ना, तो हमने भाई ब्रेकफास्ट वगैरह कुछ नहीं करा है, तो पहले हम भाई गाड़ी लेंगे और उसके बाद जो है ना ब्रेकफास्ट करेंगे। एक मिनट यार, मेरा इंजन बंद क्यों पड़ रहा है यार ये, हेलो। अरे यार ये गाड़ी ना यार, सच में भाई खटारा हो चुकी लिटरली, मैं क्या बोलूँ अभी। एक मिनट यार, ये गलत टाइम में बंद हुई है, मैं पार्किंग में इसको लगाने वाला था, वैसे मैं पहुँच चुके डीलरशिप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट यार मैं पार्किंग में इसको लगाने वाला था, अदरवाइज यहाँ पे ना चलान कट जाएगा अपना। यार यहीं पर आके भाई रुक गई है यार ये, एक मिनट में इसका इंजन चेक कर ले, तो मुझे लग रहा ना का इंजन जो है ओवरहीट हुआ होगा, लेट मी चेक, एक बार हम भाई चेक कर लेते प्रॉपरली, और इसका जो है हुड खोलेंगे पहले, तो खोलो भाई जरा इसको, देखें भाई क्या ही लफड़ा हो गया इंजन यहाँ पे भाई। ओके कूलेंट खत्म हो गया गाड़ी का, आसपास में मुझे नहीं लग रहा कोई रेस्टोरेंट या कहीं पे पानी की बोतल अपने को मिल सकती है क्या, मुझे लग नहीं रहा है, क्योंकि आसपास मुझे कोई भी ऐसा रेस्टोरेंट दिख नहीं रहा है। एक मिनट थोड़ा सा हम आगे देख के आते हैं, क्योंकि यार यहाँ पे भाई पानी डालना पड़ेगा अपने को, आप देख रहे हो ना जो रेगुलेटर में, ये जो आगे वाला रेगुलेटर में भाई पानी डालना पड़ेगा, क्योंकि इंजन ओवरहीट हो रहा है भाई गाड़ी का। यार बहुत गलत टाइम पे बंद हुई है यार, मैं क्या बोलूँ अभी, मेरे को भाई मैंने टाइम दे रखा था बलास के लीडर को कि हम जो है मिलने आएंगे उनसे 10 बजे के आसपास, बट 10:30 यहीं पर हो गया और हमारी गाड़ी भाई बंद पड़ गई है। वैसे मेरे को गाड़ी लेना ही है, काम करते गाइस ये गाड़ी यार यहीं पर छोड़ दूँ मैं तो, बट यार चलान कट जाएगा यार, क्योंकि यार ये गाड़ी ना मेरे नाम पर रजिस्टर्ड है। चलो एक काम करते हैं, पहले हम गाड़ी तो एटलीस्ट ले लेते हैं यार, फिर सोचते हैं यार फिर आगे क्या करना है। ये वैसे गाइस गैल्वेनेटर और बैना फैक्टर का शोरूम है, तो यहाँ पे उसी गाड़ी मिलेगी, लेकिन आपको एक स्पोर्ट कार चाहिए, ज़्यादा महंगी नहीं, नॉर्मल सी। चलो गाइस अंदर चलते हैं, पहले तो कहेंगे सुपर कार्स या फिर स्पोर्ट, सुपर कार नहीं यार ज़्यादा महंगी पड़ जाएंगी, स्पोर्ट देख लेते, लेकिन प्राइस रेंज क्या है। ओ भाई क्या लग रही है यार ये गाड़ी, बैना फैक्टर क्रीगर, लेकिन कितने की है भाई, 7.5 लाख की है भाई ये, पैसा तो वैसे है यार हमारे पास, इसको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन क्या लेना ये ज़रूरी है। एक बार हम सुपर कार में भी देख लेते हैं यार, ठीक है स्पोर्ट्स कार में,
स्पोर्ट्स कार में भी यार अच्छी अच्छी गाड़ियां यार, वैसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये भी काफी तकड़ी लग रही, मसल कार जैसी लग रही, बेनिफैक्टर फेल्जर। तो एक काम करते गाइस, मुझे ये वाली ज्यादा बेटर लग रही है और ज्यादा महंगी भी नहीं है, 1,45,000 की है, मैं यही ले लेता हूँ यार। ये गाड़ी डन करते हैं गाइस हम लोग। ओके गाइस, तो हमने जो है 1,45,000 की वो गाड़ी खरीद ली है, वो खड़ी हुई है भाई, और ये खटारा गाड़ी अभी हम यही छोड़ के जा रहे हैं, बाद में ड्राइवर को बोल देंगे तो वो उसको जो है ना एडजस्ट करा के सही करा के लेके जाएगा। एक काम करते हैं, इसके ट्रंक बंद कर देते ना भाई, हम ट्रंक खोल के क्यों छोड़ रखा है मैंने, पता चला भाई इंजन ही खींच के ले गया कोई, कोई भरोसा नहीं भाई लॉस सैंटोस में, कुछ भी कर सकते भाई लोग। वी कलेक्शन टोकल डोर और हुड को जो है हम कर देते हैं गाइस बंद, ठीक है, इसको हम गाइस यहीं छोड़ते हैं अभी, और ये वाली गाड़ी लेके भाई निकलते हैं हम लोग फटाफट जो है बलास गैंग के हेडक्वार्टर्स। भाई अच्छी चीज़ है यार, यहाँ पे शोरूम मिल गया और यहीं पे आके भाई बंद हुई गाड़ी, अदरवाइज ना हम लोग लटक जाते यार। वैसे तो मैं लेट हो ही चुका हूँ, बट एनीवेज आई थिंक सो हम लोग होपफुली पहुँच जाए। पहले मैं गाइस फटाफट जो है फ़ोन लगा लेता हूँ यहाँ पे जो है लीडर को कि एग्जैक्टली जो है कहाँ पे मीटअप करना है, क्योंकि मीटअप पॉइंट भी अभी सेट हुआ नहीं है। एक मिनट गाइस, मैं साइड में लगा के पहले तो भाई कॉल लगा लेता हूँ और थोड़ा साइड में करते हैं बात, है ना, अदरवाइज ना कोई पुलिस वुलिस का सुन लिया तो बुला लेगा वो बिना मतलब के, बखेड़ा खड़ा करना नहीं है अपने को। चलो गाइज यहाँ पे मैं फटाफट फ़ोन निकालता हूँ और पलास के लीडर को यहाँ पे कॉल लगाते हैं। हाँ जी, कहाँ पे आना है? तो मुझे आप रिक्वेस्ट इनवाइट भेज दीजिए और जगह का थोड़ा सा जो है ईमेल या फिर मैसेज कर दीजिए मुझे। ओके, तो अपने को जाना है गाइज, इट्स ऑन 390S1E01 ग्रूव स्ट्रीट, ठीक है गाइज, तो ज़्यादा दूर नहीं है, 1 mile है, फटाफट पहुंच जाएंगे भाई। नई गाड़ी की टेस्टिंग भी हो जाएगी भाई, जबरदस्त, 1.5 mile जाने का है और अभी भाई पहुंच जाएंगे। थोड़ा सा वो बोल रहा है कि पुलिस से जो है ना बच बचा के आने का, अदरवाइज ना कभी कभी लफड़ा हो जाता है। वैसे यार अभी मैंने यार माइकल को कॉल लगाया था 1-2 दिन पहले, तो भाई माइकल पता नहीं आजकल कहीं बिजी है, और स्वीपर वीपर का भाई नौकरी पकड़ ली यार उसने मिलिट्री में। मैं अभी बोलूँ भाई यार ये क्या दिन आ गया भाई माइकल के, मतलब बताओ यार मिलिट्री में यार स्वीपर बना हुआ है, मतलब वो क्लीनर का काम कर रहा है। बट यार मुझे लग रहा है ना माइकल यार बहुत टेढ़ा आदमी है, तो वो भाई पक्का कुछ बड़ा प्लान कर रहा होगा, वो सिर्फ स्वीपर के लिए तो नहीं गया होगा यार मिलिट्री में, इतना तो कन्फर्म है मुझे भाई पक्का। भाई वो ना बहुत तेज आदमी है, बहुत चालू आदमी है, वो पक्का कुछ उड़ाएगा वहाँ से। खैर एनीवेज अपने को दिमाग नहीं लगाना है, हम लोग अपना देखते हैं भाई, जब मुलाकात होगी तब फिर भाई एग्जैक्टली पूछ लेंगे भाई माइकल से क्या सीन है क्या नहीं है। लेकिन अभी गाइज अपने को बलास जाके ज्वाइन करना। ओ सॉरी सॉरी भाई, नई गाड़ी में स्क्रैच आ गया यार, क्या बोलूँ यार मैं। चलो आगे अगर देखते हैं कुछ अपने को वो मिलता है रिपेयर वाला, तो वहाँ पे हम करा लेंगे। अरे हाँ यार, अपने को रेस्टोरेंट से खाना लेना था, मैं भूल ही गया, पीछे है गाइज रेस्टोरेंट, भाई थोड़ा सा घुमा लेते हम गाड़ी। ओ सॉरी सॉरी यार, मैं रॉन्ग साइड चला रहा हूँ भाई, झमेला हो सकता है यार यहाँ पे। रेस्टोरेंट कहाँ पे है? यहीं पे दिख रहा है शायद मुझे, यप ये रहा ना रेस्टोरेंट। चलो यहाँ से गाइज हम फटाफट अपने लिए खाना पीना पहले ले लेते हैं, क्योंकि हमने भाई सुबह से कुछ भी ब्रेकफास्ट नहीं किया है, तो बहुत ज़रूरी है भाई कुछ खा पी लेना अभी, और पता नहीं कितना टाइम लग सकता है ना बलास में, तो वो भी एक चीज़ है। बीन मशीन है यहाँ पे, अंदर चलते हैं इसके। मुझे भाई क्या क्या मिलेगा यहाँ पे, लेकिन पहले हम फूड्स ले लेते हैं। ओके एक बैगल सैंडविच है, 7 items 10 ले लेते हैं ना यार, 80 के आ जाएंगे, $80 के 10 items 10 सैंडविच आ जाएंगे, ये ले लेते हैं हम। डोनट्स भी हैं इसके पास, तो 10 donuts ले लेते हैं हम, हमारे खाने के काम आ जाएंगे ये, ठीक है। यही 2 items हैं इसके पास, और बाकी ड्रिंक्स में क्या है इसके पास? ओके कॉफ़ी है, तो 5-6 coffee रख लेता हूँ मैं, स्मूदी रख लेता हूँ 5-6, बाकी कुछ मैं गाड़ी के डिग्गी में स्टोर कर दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है गाइस। यहाँ पे कितने पीस लिए मैंने यार, 10 pieces से ज़्यादा हम नहीं ले सकते। ओके कॉफ़ी 2-3 ले लूँगा, फ्लशर कॉफ़ी भी 2-3 ले लेता हूँ, और क्या क्या है ज़्यादा भाई, वाटर बॉटल ले लेते हैं यार, ये बहुत ज़रूरी है। हाँ यार, अगर सोचो उस टाइम पे वाटर बॉटल होती तो अपने को भाई गाड़ी नहीं खरीदनी पड़ती नई वाली, वैसे अपने को खरीदनी ही थी, बट वाटर बॉटल रखना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पे एक और ये वाटर बॉटल है भाई, ज़बरदस्त वाली, आई थिंक जो मिनरल वाटर ही है, ये भी ले लेते हैं भाई हम। तो ठीक है, हमने गाइस काफ़ी ज़्यादा सामान ले लिया है, और अभी हम भाई फटाफट पहले तो हम खा लेते थोड़ा बहुत, क्योंकि भाई मुझे लग रही है भूख बहुत तेज, लिटरली मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ यार सच में, बट हम आराम से यहाँ पे खड़े खड़े रह खा सकते, एक साइड खाते हैं थोड़ा सा, ताकि भाई किसी को शक वक ना हो अपने ऊपर। चलो इन्वेंट्री में जाते हैं भाई हम लोग, हमारे पास अच्छा खासा डोनट्स वगैरह भी है भाई, फूड्स स्नैक्स में क्या अपने पास? डोनट्स हैं, चलो खा लेते भाई डोनट्स,
बहुत तेज भूख लग रही है, एक और खाऊंगा भाई, अभी एक से कुछ नहीं होने वाला अपना हंगर। चलो 100% हो गया आई थिंक, तो ठीक है फिर नहीं खाऊंगा मैं एक और एक्स्ट्रा, पता चला यार पेट खराब हो गया। खाने का तो इंतजाम हो गया है, अब हम भाई फटाफट पानी भी पी लेते हैं, इन्वेंट्री में जाएंगे, ड्रिंक्स कॉफी पी लेते हैं यार, वाटर तो हम बाद में पियेंगे, मन नहीं कर रहा मेरा अभी, स्मूदी पी लेते, चलो वाटर भी छोड़ो स्मूदी पीते हैं आराम से, मजा आ जाएगा भाई, क्योंकि डोनट्स के बाद ना स्मूदी में एकदम जबरदस्त। ये देखो थर्स्ट मेरा थोड़ा सा नीचे था, ये भी 100% हो गया है। बाकी का सामान गाइस हम लोग जो है गाड़ी के ट्रंक में डाल देते हैं अभी, है ना, ऐसे लेके जाने का कोई मतलब नहीं है फालतू में अपने पास। अभी यहाँ पे भाई सामान डाल देते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या क्या आइटम्स हैं अभी, स्टोर्ड इन्वेंट्री तो अपने पास ओके सारी स्टोर कर देते ना इसमें, ठीक है। यहाँ पे बैगल सैंडविच 10 पीस है, डोनट है 9, ब्रेड कॉफी 6 और आप देखो स्मूदी 9 है भाई। अच्छा सामान था, हमने सब का सब जो है इसी में डाल दिया है, ये सही किया। थोड़ा बहुत कैश भी हम डाल देंगे, कैश हम काफ़ी ज़्यादा लेके घूम रहे भाई वैसे हम, नहीं यार कैश नहीं डालते यार, पता चला ना कोई तोड़ ताड़ दिया फिर दिक्कत हो जाएगी, लफड़ा हो जाएगा फालतू में। चलो गाइस अभी हम जो है निकलते हैं यहाँ से, खाना पीना हमने खा लिया है, सब चीज़ें हमने डिग्गी में डाल दी है, अब भाई टाइम वेस्ट करना नहीं है, यहाँ पे सीधा पहुँचते हैं बलास एच क्यू, क्योंकि अब भाई 11 बज चुका है, अब भाई ज़्यादा टाइम वेस्ट हम कर नहीं सकते ग्रूव स्ट्रीट में। वैसे भी लफड़े होते रहते ना, तो उसने वैली बोला है कि फैमिलीज का वहाँ पे एच क्वार्टर है पास में ही, तो वहाँ पे थोड़ा सा बच बचा के आने का है, बट मैं बहुत संभाल के जा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे बोलो भाई बहुत हमला कर, ओ भाई चलने लगी गोली, मैंने क्या बोला था आपको, भाग 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 भाई, जिंदगी भाई बहुत प्यारी है मुझे। ये देखो भाई फैमिलीज का है आसपास ही, ये रहा देखो ये पड़ गया, ये पड़ा मुझे मेरे पीछे, भाई भाग 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 भाई साहब देख रहो, अरे भाई पुलिस भी गलत टाइम पे आ गई यार ये मेरे सामने, अबे मैं तो कुछ नहीं किया यार, मेरे पीछे क्यों लगी पुलिस, अबे मैं लिटरली कुछ नहीं किया, मैं कुछ नहीं किया हूँ सीरियसली यार, भाई लग रहा है इसको रिश्वत रिश्वत देनी पड़ेगी पुलिस वाले को, भाई गाड़ी और टूट गई यार मेरी चक्कर में। एक काम करते हैं यहाँ पे मामला सेटल करते हैं पुलिस से, आन दो पुलिस को, चलो देख लेंगे कौन आ रहा है, आ जाओ सरेंडर करके जो है इनको थोड़ा ब्राइब ब्राइब दे देंगे ना शांत हो जाएंगे वो। वैसे हमने यहीं पे भी सस्पिशियसली पार्क करी है ताकि नंबर वगैरह कोई ना पकड़े हमारी गाड़ी का, वैसे नंबर प्लेट चेंज कर देंगे यार कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अगर उन्होंने पकड़ा होगा ना, अरे यार नहीं देखा पुलिस ने, चलो ठीक है वैसे ही मामला सुलट गया, वरना भाई अब कैश वैश देखे ना थोड़ा सा सुलटा लेते, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई। लेकिन भाई देखो स्क्रैच आ गए अच्छे खासे गाड़ी पे, चलो खैर जाके बाद में हम सही करा ही लेंगे उसको, अभी हम सीधा हेडक्वार्टर चलते हैं, वहाँ पे अपने को भाई बुलाया हुआ था उन लोगों ने। चलो गाइस यहाँ पे फिलहाल हम हेडक्वार्टर आ चुके हैं बलास के, भाई गाड़ियाँ देखो यार गाड़ियाँ तो भाई इनके पास हैं, ये बात तो भाई माननी पड़ेगी, बलास के पास भाई गाड़ियाँ तगड़ी तगड़ी हैं कुछ भी बोलो यार। चलो थोड़ा सा अंदर चलते हैं हम और थोड़ा भाई सामान वामान लेते हैं और फिर भाई बेचने का चालू करते हैं, भाई इसके पास गन वन भी होगी ना, थोड़ा गन वन भी हम ले लेंगे। तो अपने को भाई पहले क्या लेना है, हाँ आराम भी कर ही सकते हैं यार ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट अभी आराम करने का टाइम नहीं है, मैं पिस्टल लूँगा यार ज़्यादा कुछ लूँगा नहीं। ये वाली पिस्टल कैसी लग रही है, ओके ये भी तगड़ी लग रही है, ये भी अच्छी है यार, ये वाली ज़्यादा बेटर लग रही है मुझे, मस्त मतलब मज़ा आ रहा है देख के, अच्छा अच्छा लग रहा है इसको, तो यही ले लेते हैं। तो यार ये वाली गन है और आई थिंक सो ये ज़्यादा आवाज़ भी नहीं कर रही, थोड़ा हम टेस्ट करके आते हैं यहाँ पे इस वैन पे टेस्ट करते हैं, हाँ ये बेटर है गाइस, लाइक ये यहाँ पे ज़्यादा साउंड भी नहीं करेगी सप्रेसर के साथ, वरना भाई साउंड करती है ना तो फिर पुलिस आ जाएगी। चलो गाइस इसको देखते हैं भाई, इसको साथ लेके चल सकते क्या अपन बंदे को, हाँ भाई साथ चलेगा क्या, इसको हमने रिक्रूट कर लिया अपने साथ, तो थोड़ा वो ड्रग्स उठा लेते पहले तो, आज भाई अपने को फुल टू पैसा कमाने का है ठीक है, तो इसके 3-4 आइटम ले लेते हैं, इसको भाई गाड़ी में रिस्टोर करते हैं ताकि भाई हम लोग पकड़े ना जाए एटलीस्ट, है ना, अभी गाड़ी को रिपेयर भी कराना अपने को चल के। हाँ भाई तैयार है ना, आ जा 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 अपन पहले ही भाई पहले गाड़ी में रख देते हैं उसको, एक मिनट भाई एक मिनट रुक जाओ, थोड़ा मुझे गाड़ी में रखने दे थोड़ा सा, ट्रंक नहीं अपने, हाँ ट्रंक ही ओपन करना है, करेक्ट परफेक्ट, इसमें अपन डाल देते हैं, इसको हम भाई बंद करते हैं
और भाई उस बंदे के साथ जो है चलते हैं, निकलते हैं यहाँ से। आ जाओ भाई, गेट इन गेट इन गेट इन। चलो गाइस काम यहाँ पे हो चुका है, थोड़ा सा मैं सामने से नहीं जाऊँगा, ये वाले एरिया चलते हैं, आराम से छुप छुपा के चलते हैं भाई। ठीक है, ज़्यादा पंगे अपने को अब लेने नहीं है। सबसे पहले भाई अपने को वहाँ पे ये देखना है, गाड़ी रिपेयर कराना है, क्योंकि भाई गाड़ी ठुकी हुई है और अगर भाई किसी ने पहचान ली ना तो दिक्कत हो जाएगी। ये देखो भाई पुलिस यहीं पे भाई घूम रही है, इनको शक नहीं होना चाहिए भाई हम जो है ड्रग लेके जा रहे हैं इस गाड़ी के अंदर। जाइए सर, हैव अ गुड डे। आगे आप देख रहे हो गाइस सीसीटीवी कैमरा दो लगे हुए हैं, तो हम वहाँ से तो नहीं जाएंगे, हम यहाँ से रास्ता बदलेंगे, आगे से लेफ्ट लेंगे। परफेक्ट, इधर से अपन इधर चलते हैं। यहाँ पे भाई मैं अभी वही तलाश कर रहा हूँ कि कहाँ पे जो है हम व्हीकल रिपेयर करा सकते हैं अपना। यहाँ पे है क्या आसपास? फ्यूल भरवा लूँ क्या यार मैं? फ्यूल कितना है अभी? 93% मतलब कि है, अच्छा खासा फ्यूल है हमारे पास। एक काम करते हैं डलवा लेते हैं यार। ऑलराइट गाइस, यहाँ पे फ्यूल हम लोगों ने जो है भरवा लिया है और अब हम जो है भाई व्हीकल रिपेयर कराते पहले। ठीक है, यहाँ पे आई थिंक तो मुझे गैराज दिख रहा है आसपास। पुलिस, अबे पुलिस है भाई, क्या कर रहा है ये भाई? ये लिटरली जो हमारे साथ बैठा ना, एक नंबर का भाई बेवकूफ आदमी है क्या? अबे कौन है भाई, किसने गोली चलाई? अरे भाई साहब नहीं यार, अबे मारो उसको भाई। यार गाड़ी पंचर कर दी यार, कोई गैंग वाला बंदा है ये भाई, गलत कर रहा है यार ये, लिटरली गलत कर रहा है ये। भाग गया भाग गया। अरे यार भाई लफड़ा हो गया भाई, गलत गैंग में आ गया हम यहाँ पे, फैमिली वालों ने अटैक कर दिया यार अपने पे। निकलना पड़ेगा भाई, निकलना पड़ेगा भाई। अबे चुप रहे, एक मिनट अंदर अंदर कर ले हाथ अपना, हम भगाने वाले हैं यहाँ से। अभी मेरे को भाई लिटरली गाड़ी रिपेयर करना है, मेरे को भाई पुलिस वाले एरिया में ही घूम रहे हैं अभी। चल 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 भाग, जल्दी भाग भाई यहाँ से। छोड़ यार, कर लेते हैं अभी, कर लेते हैं, छोड़ो 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 छोड़ो, आ जाओ सरेंडर करते हैं। हाँ आ जाओ भाई। सर आई एम सरेंडरिंग, मैं सरेंडर, आई एम सरेंडरिंग, आई एम सरेंडरिंग। उसको पकड़ो, उसको पकड़ो। मैं तो सरेंडर कर दिया मैम, मैं सरेंडर कर दिया, देख लो आप, मैं सरेंडर कर दिया। यस 5000 में आप देख लो, मान जाओ, बस बस हो गया, काम हो गया गाइस। 5000 मैंने दिए हैं इसको और इसने भाई छोड़ दिया अपने को। चल 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 जल्दी निकलो यहाँ से अभी भाई, जान दो उसको बाढ़ में। एज लॉन्ग एज यू गो गॉट द कैश आई कैन टेक केयर, मतलब सीधी सीधी पैसा, करप्ट ऑफिसर है बेसिकली ये। और जब तक भाई पैसा हाथ में है तो भाई सब साथ में है, समझ रहे हो गाइस? लेकिन भाई मजा आएगा, कोई बात नहीं, चलो ये दोस्ती अच्छी रहेगी हमारी। अबे यार रुको यार, ये इसको हम अभी क्लियर कराते हैं भाई, हमारा ऑफिसर काम करेगा ना यार, क्या ही हो गया। ए हटवा भाई पुलिस वाले को मेरे से, क्लियर कराओ भाई वांटेड हमारा। अच्छा ओके 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 ओके, वेट 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 वेट, फाइन लगाएगा गाइस अपने पे, कितना 1000 का साइटेशन है ना, पकड़ो भाई। चलो हो गया, आई थिंक हमने कोई सिग्नल विग्नल तोड़ा होगा ना, या फिर रॉन्ग साइड होंगे इसीलिए वो जो है अपने को साइटेशन मार दिया 1000 रुपये का। ठीक है यार, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं यार अभी जा रहा हूँ गाड़ी सही कराने, ठीक है, मैं देखता हूँ कोई आसपास जो है रिपेयरिंग व्हीकल के लिए है क्या नहीं। ऑलराइट गाइस, फाइनली हम लोग आ चुके हैं भाई गैराज में, फटाफट चल के भाई इसको कराते पहले रिपेयर। अब भाई बहुत ज़्यादा टूट चुकी है यार हमारी गाड़ी, पैसा लग रहा है $1600। चलो कंप्लीट इसको कराते हैं, 2-3 घंटे लगेंगे आई थिंक सो, 3-4 घंटे लगे, लेकिन चलिए भाई एकदम अपना व्हीकल टनाटन हो गया है। चलो भाई अब फटाफट हम लोग निकलते हैं, जो भी हमारे पास भाई ड्रग्स वगैरह है उसको चल के फार्मेसी वगैरह वाले एरिया में हम लोग बेचते हैं, या फिर देखते हैं भाई कोई बायर अपने को मिल सकता है। अब अपने को चल के भाई बायर ढूंढना है, क्योंकि भाई बहुत ज़्यादा माल लेके घूम रहे हैं हम ट्रंक में और बिल्कुल भाई सेफ नहीं है आ रही है, इसीलिए भाई मैं जाके पहले इसको जो है ना निकालता हूँ यार, जितना देखता हूँ कितना प्रॉफिट बना पाते हैं आज हम। ओके गाइस, मुझे एक जो है जगह मिली है जहाँ पे शायद अपने को बायर मिल जाए ये ड्रग्स का। चलो चलते भाई फटाफट, देखते हैं भाई कितने का जो है माल बना पाते हैं हम। भाई मुझे लगा जैसे मेरे कोई मारने के लिए शायद मेरे पीछे पड़े हुए, इसलिए मैं रुक गया भाई। ओ भाई मुझे लगा भाई मेरे को शूट करने के लिए आ रहे हैं वो लोग। परफेक्ट, चलो ठीक है, इतना भाई अपने पास एज अ सैंपल रखते हैं, फिर उसके बाद भाई देखेंगे, देखते हैं यहाँ पे बिकता है नहीं, फिर अपने को नहीं तो दूसरी जगह जाना पड़ेगा। ले लेते यार ये भी जरूरत पड़ जाएगी अपने को, नहीं तो अपने गैंग वालों को बेच देंगे यार। पर प्राइस $5 है इसका, इसको भाई अपने को जो है डालना पड़ेगा अभी गाड़ी के अंदर। चलो निकलते हैं गाइस, अब अभी फिलहाल दूसरी जगह निकलते हैं, यहाँ पे तो नहीं बिकने वाला, ये पीछे एक मेडिकल शॉप भी है वहाँ पे एक बार ट्राई कर लेते हैं।
ये लॉस्ट एमसी के एरिया में भाई कर रहे हम लोग कांड, समझ रहे हो आप। अब इनके पास तो भाई बहुत कुछ रखा हुआ है यार, मुझे लेना नहीं है भाई, मुझे बेचना है। ठीक है गाइस, तो हमने काफी ज्यादा आज प्रॉफिट कर लिया है यहाँ पे, तो फटाफट गाइस हम लोग भाई निकलते हैं यहाँ से, क्योंकि काफी ज्यादा पेट्रोलिंग बढ़ गई है पुलिस के इस एरिया में। दूसरी चीज, यहाँ पे गैंग्स वाले भी भाई काफी सर्च कर रहे हैं, जैसे लॉस्ट एमसी हो गया या फिर ये फैमिलीज गैंग्स हो गई, ये अपने भाई अटैक भी करवा रहे हैं, ताकि भाई जो भी अपने पास पैसा वगैरह है या कैश है ये अपने से लूट सके, और बाकी जो हमारे पास ड्रग्स वगैरह है वो भी भाई लूट के ये लोग भेज सके। लेकिन हम लोग भाई फटाफट निकलते हैं यहाँ से सीधा घर की तरफ, क्योंकि अब भाई अपने को अंडरग्राउंड होने का टाइम आ चुका है कुछ देर के लिए। उसके बाद भाई अपन लेंगे बदला जिन लोगों ने अपने पे हमला किया है। तो ऑलराइट गाइस, वहां पे भाई बहुत ज्यादा लफड़ा हो गया था और पुलिस वाले भी भाई एकदम अपने पीछे पड़े हुए हैं, एंड आपको पता ही है कि अपने पे भाई आज फैमिलीज गैंग ने हमला किया था। तो हमारा भाई प्लानिंग ये चल रहा है कि हम लोग कुछ दिन रहेंगे गाइस अंडरग्राउंड, एंड उसके बाद फिर अपने को भाई फैमिलीज वालों को असैसिनेट करना है। तो मे बी नेक्स्ट एपिसोड में गाइस हम लोग फैमिलीज वाले बंदों को असैसिनेट करेंगे और फिर ट्राई हो जाएंगे अंडरग्राउंड, एंड देन फिर जो है हम लोग डीलिंग वीलिंग करेंगे बल्क में माफिया वगैरह से। तो चलिए गाइस, फिलहाल अपने को वापस भेज दिया गया घर की तरफ कि हम लोग जाके भाई अंडरग्राउंड हो जाएं और बिल्कुल भाई सिटी में ना दिखें, क्योंकि भाई आज बहुत ज़्यादा लफड़ा हुआ है पुलिस के साथ अपना, काफ़ी सारे साइटेशंस भी हुए, बट वो फर्क नहीं पड़ता। लेकिन वो जो लफड़ा हुआ रहा कि अपने फैमिलीज का अटैक हुआ और उसके बाद भाई उन्होंने खदेड़ा अपने को, तो वो हम लोग भाई उसका ज़रूर रिवेंज लेने वाले हैं अगले एपिसोड में। तो जो है गाइज, इस वीडियो को जो है आप लोग लाइक करिए, चैनल पर सब्सक्राइब करिए गाइज, बेल बटन प्रेस करिए। मिलते हैं गाइज आपसे अगले एपिसोड में, लेंगे भाई माफिया और लॉस्ट एमसी से बदला। तब तक जो ख्याल रखें अपना, एंड गुड बाय।